हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो A52s 5G वाला मॉडल है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है और उसके अंदर सिक्योरिटी पैच को भी अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों क्या नया अपडेट आया है, कितने MB का अपडेट है और क्या चेंजेस किए गए, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है डाउनलोड इंस्टॉल पे। डाउनलोड इंस्टॉल पे आप जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे नया अपडेट को यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। इस अपडेट में है क्या, आप देखेंगे ये अपडेट अभी रिसेंटली आया है, 16 जून को इसको अपडेट किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव की गई है, न्यू एंड एनहांस फीचर करे गए हैं और फर्दर इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस की गई है। और मेन चीज यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन पे नीचे की तरफ, यहाँ पर जो है ये अपडेट है 223 MB का, ये अपडेट को यहाँ पर रोल आउट किया गया है। और साथ में सिक्योरिटी पैच जो है 1 जून की यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। आप देखेंगे सिक्योरिटी पैच 1 जून 2022 की यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो सिंपली अब इसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट करने के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ जब भी मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की वीडियो बनाता हूँ, कि जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करें तो उसकी बैटरी 50% के अबव होनी चाहिए या फिर आप उसको चार्ज पे लगा के ही अपडेट करें, क्योंकि अगर आपका मोबाइल बीच में बंद हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा याद रखें जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करें आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों। तो उसको होने देते डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। दोस्तों फाइनली ये हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल होनी चालू हो जाएगी और बैकग्राउंड में रन होना चालू हो जाएगा। ये फिर भी 15 से 20 मिनट या बोल सकते हैं 10 मिनट तो आराम से लेगा, क्योंकि पूरी तरह से अपडेट होता है। तो आपको बीच में इसको मोबाइल को ऑन नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखें। जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, तो इस प्रोसेस को चलने देते हैं। आगे जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है मैं आपको कंफर्म करता हूँ। फाइनली देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। आप देखेंगे योर फोन हैज बीन अपडेटेड। अपडेट होने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर इसकी सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर वापस जाना है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सॉरी अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे 1UI 4.1 का 1 है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। और नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर की गई है, 1 जून 2022 की सिक्योरिटी अपडेट कर दी गई है। और अगर आप बैक आके यहाँ पर जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट में, यहाँ पर लास्ट अपडेट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये द सिक्योरिटी हैज बीन इंप्रूव्ड। जो सिक्योरिटी है उसको इंप्रूव कर दिया गया है। और जो जो कुछ बग्स होते हैं, जो पहले वाले में कुछ बग्स थे लाइक बैटरी ड्रेनिंग या फिर आपका मोबाइल हीट होना, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने के चांसेस दिए गए। हो सकता है कि इस अपडेट के बाद जो भी अगर आपका मोबाइल की बैटरी थोड़ी ड्रेन हो रही हो तो वो सही हो जाए, या फिर अगर आपके मोबाइल में कुछ और भी प्रॉब्लम हो, कुछ बग्स होंगे, तो वो यहाँ पर फिक्स ऑन किए गए होंगे। यहाँ पर फिलहाल तो यही अपडेट था, इसमें सिर्फ सिक्योरिटी अपडेट दी गई है और कोई भी मेजर न्यू फीचर को एड ऑन नहीं किया गया। दोस्तों यही नया अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।